गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम शुरू करेंगे चैप्टर दो, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब जो बटे में नहीं होती हैं वो कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं, पूरी पूरी, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे पूरी गिनती। अब आ जाओ, इसके अंदर आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं हमेशा एक से। कहाँ से शुरू होती हैं? एक से। और पूर्ण संख्याओं को हम जीरो से शुरू करते हैं, इतना हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होगी? एक से। पूर्ण संख्याएं जीरो से। लेकिन पूर्ण संख्याओं में ध्यान रखो कि बटे में जो संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। देखिए, ये संख्या इसके बाद की अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखनी है। तीन क्या लिखनी है? प्राकृत संख्या, यानी तीन का मतलब है कि हर एक में एक एक बार एक एक जोड़ दो तो आ जाएगी। जैसे इसमें एक जोड़ा तो कितना हो गया? 9 में 1 जोड़ा 10, हासिल 1। 9 में 1 जोड़ा 10, हासिल 1। 9 में 1 जोड़ा 10, हासिल 1। ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, हो गया तीन, एक प्राकृत संख्या हो गई। अगली प्राकृत संख्या 11000 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11001। फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 11002। ऐसे करते हुए हम जितनी चाहें उतनी प्राकृत संख्याएं निकाल सकते हैं। अब ये बोल रहा है, ये जो संख्या दी है ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखो। ठीक पहले आने वाली। अब पहले आने वाली के लिए क्या करेंगे? हम माइनस कर करके निकालेंगे। पहले एक माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें से फिर एक माइनस करेंगे। देखो, जैसे इसमें से एक माइनस किया, एक में से एक किया, जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये हो गया 10000। अब जरा इसमें से फिर माइनस एक करके हम अगली संख्या निकाल सकते हैं। जीरो में से एक नहीं जाता, एक उठा लेता है, 10 में से एक किया 9, यहाँ रह गया 9, यहाँ रह गया 9 और यहाँ रह गया 9 और यहाँ जीरो है तो जीरो हम लिखते नहीं। यानी हम 10000 में से एक माइनस किया तो कितना आ गया? 9999। अब वापस 9999 इसमें से एक माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 9998 हो गया। यानी कितनी संख्याएं होगी? तीन पूर्ण संख्याएं निकाल ली हमने, 1, 2, 3। अब हम आगे भी निकाल सकते हैं, हर बार में कितना माइनस करके? एक एक माइनस करके हम ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या निकाल सकते हैं और अगले के लिए एक एक जोड़कर निकाल सकते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जीरो। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं? 32 और 53 के बीच में तो जरा ना तो हम 32 को गिनेंगे और ना ही 53 को गिनेंगे। अब जरा 33 से लेके 53 तक गिनो तो 33 और 43 कितने होते हैं? 10। और दो 10 और कितनी हो गई? 43 से 53 फिर 10 हो गई, यानी 20। अब जरा ऐसे गिन लो, अपनी उंगलियों पे गिन लो, 32 के बाद में गिने 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52। 53 को नहीं गिनना, यानी कितने आए? 20। यानी कितनी पूर्ण संख्याएं हो गई? 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हो गई है? 20 हो गई है। क्या हो गई है? 20 पूर्ण संख्याएं। अब निम्न में परवर्ती संख्या लिखो। परवर्ती का मतलब है बाद में आने वाली। परवर्ती का मतलब बाद में आने वाली। बाद में आने वाली संख्या पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। तो देखो, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 और 1 2 0 7 0 4 4 2। ये हो गई हमारी परवर्ती संख्या, यानी इस संख्या में हमने एक जोड़ दिया तो क्या निकल गया? परवर्ती संख्या आ गई, अगली संख्या आ गई। इसमें भी देखो, एक जोड़े आप इसकी परवर्ती निकालने के लिए, तो जैसे आप सिंपल जोड़ जोड़ते वैसे जोड़ ले। 9 में 1 जोड़ा तो 10, हासिल 1। इस 9 में 1 जोड़ा तो 10, हासिल 1। इस 1 में 1 जोड़ा तो
दो और जीरो जीरो और एक, क्या आया? एक। ये हो गया हमारा इसका परवर्ती संख्या, यानी परवर्ती संख्या के लिए आप क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। अगला है निम्न के पूर्ववर्ती लिखो। पूर्ववर्ती का मतलब है एक घटा दो, 94 में से एक घटा दो तो कितना बचेगा? 93। तो ये हो गई इसकी पूर्ववर्ती संख्या। ये है 10,000, 10,000 में से भी एक घटा दो तो कितनी रह जाएगी? 9,999। ये क्या हो गई इसकी पूर्ववर्ती। समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो, प्राकृत संख्याएं लिखनी है अगली तीन। अगली तीन के लिए एक एक जोड़ जोड़ के, जो संख्या दी है जिसकी निकालनी है उसमें एक जोड़ो। इसमें एक जोड़ा, ये आया। फिर से वापस एक जोड़ा, इसमें ये आ गया। इसमें वापस एक जोड़ा, ये आ गए। तीन संख्याएं पूछी है, पांच होती तो और जोड़ते जाते। ऐसे ही ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या है, तो पहले का मतलब है एक एक घटाते चलो, इसमें एक एक जोड़ते और इसमें एक एक घटाते चलो। इसमें एक घटाया कितना आ गया? 10,000। 10,000 में से एक घटाया कितना आया? 9,999। 9,999 में से एक घटाया कितना आया? 9,998। ऐसे हमारी क्या आ गई? तीन पूर्ण संख्याएं ठीक पहले वाली आ गई हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, प्राकृत संख्या 1 होती है। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं तो गिन लो, जिसमें 32 नहीं आना चाहिए और 53 नहीं आना चाहिए, यानी 33 से लेके 52 तक गिनो कितनी संख्याएं हो रही है। तो कितनी संख्याएं हो रही है? 20। परवर्ती संख्या के लिए एक जोड़ दो और पूर्ववर्ती संख्या के लिए एक घटा दो। उम्मीद है बच्चों समझ में आएंगे प्रश्न। इन प्रश्नों को आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। थैंक यू बच्चों।